ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गाय और भैंस का तुलनात्मक विश्लेषण। मानव शरीर के लिए भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध अधिक उत्कृष्ट है। दूध में संपूर्ण प्रोटीन रहने के कारण यह मनुष्य के लिए आवश्यक है। भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध अधिक उत्कृष्ट है क्योंकि गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा जो प्रोटीन है वो कोमल होने के कारण सुगमता से पच जाता है। प्रोटीन को भी पचाने वाली चिकनाई गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए बच्चों, रोगियों और प्रौढ़ों के लिए साधारण रूप से गाय का दूध विशेष लाभदायक है। गाय के दूध में पाए जाने वाले विटामिन निश्चय ही भैंस के दूध की अपेक्षा उच्च कोटि के होते हैं। भैंस की अपेक्षा गाय के नैसर्गिक कच्चे दूध में ऑक्साइड और रिएक्टक्स पाचक रसों की प्रचुरता रहती है जो पाचन में सहायता देने के अतिरिक्त दुग्ध पान में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स, वोटोमेंस नमक विषैले पदार्थ को दूर करने वाला एक निषात्मक तत्व है। गो दुग्ध में क्षार भी भैंस के दूध की अपेक्षा विशेष घुल जाने व पच जाने वाले रूप में होते हैं। क्षार स्वयं उपयोगी होने के साथ साथ शरीर वाले प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। दूध के अच्छे कीटाणु भैंस की अपेक्षा गाय के दूध में अधिक स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ते हैं। इसका प्रमाण यह है कि गाय का दूध का जो दही है वो शीघ्र जम जाता है। भैंस के तत्व में उष्णोत्पादक तत्व अधिक मात्रा में रहते हैं जिससे यह गो दूध की अपेक्षा शरीर को विशेष गर्म कर देता है। गो दूध अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, अतः मस्तिष्क से काम करने वालों के लिए इसका विशेष मूल्य है। गो दूध सत्वगुण, बुद्धि, स्मृति, मेघा तथा विवेक देता है। यह विषनाशक है, अमृत है। भैंस का दूध बुद्धि को जठर बनाता है, जिद्दी बनाता है, जिद्दी मतलब हठीला व अड़ियल बनाता है, इसलिए यह तामसी है। भैंस का दूध मांसवत आमिष माना गया, आमिष महिषी दुग्धम। अत्यंत तामसी होने की वजह से यह निद्रा कर है। गो दुग्ध सत्वगुण प्रदान कर निद्रा उचित करता है। यह प्रगाढ़ निद्रा लाता है और थोड़ी समय में मनुष्य को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है गाय का दूध। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है, धमनी विकार करता है, हृदय रोग उत्पन्न करता है। गाय का दूध सेवन करने से हृदय रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। गाय का दूध पीने से समस्त रोगों का नाश होता है और भैंस का दूध पीने से 28 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टिकोण से भैंस के दूध से निकाले गए अधिक घी का जो लाभ होता है उससे 10 गुनी हानि डॉक्टर और वैद्यों की औषधियां और उनकी फीस देने में हो जाती है। गाय का दूध पीने वाला बछड़ा उछलता है, कूदता है, दौड़ता है और भैंस का दूध पीने वाला पाड़ा ऊँघता है और बैठ जाता है और बैठा ही रहता है, उछलता कूदता नहीं है। इस प्रकार जो लोग गाय का दूध पिएंगे फुर्तीले रहेंगे और भैंस का दूध पीने वाले आलस में ऊँघते रहेंगे। गाय का बछड़ा हजार गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, जबकि भैंस का पाड़ा 10 भैंसों की लात खाने के बाद ही अपनी मां तक पहुंचता है। इस प्रकार गाय का दूध पीने वाले युवा विलायत में कहीं भी क्यों न चले जाएं, अपने माता पिता को धोखा नहीं देंगे। अतः अपने बच्चे को भैंस का दूध पिलाने वाले माता पिता सावधान हो जाइए। बाद में यह मत कहिएगा कि हमारा बेटा अमेरिका में जाकर बस गया, हमें याद ही नहीं करता है, हमें पूछता भी नहीं या वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। भैंस के बेटे पर मृत्यु के देवता यमराज विराजते हैं और गौ माता के पुत्र नंदी पर जगत के पापों का नाश करने वाले महामंगलमय भगवान शिव शंकर सुशोभित होते हैं, जिनकी उपासना से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं कि रेल की पटरी पर अगर कोई भैंस खड़ी हो और सामने से कोई ट्रेन आ रही हो तो ड्राइवर कितना भी हॉर्न बजाए तो भैंस हटेगी नहीं बल्कि कट जाएगी। दूसरी ओर गाय हल्की सी घंटी बजने मात्र से आपको रास्ता दे देगी। यह है बुद्धि, यह है अकल जो कि हमारी भारतीय देसी गाय में ही होती है, भैंस में नहीं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।